नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे और ये प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवारजन हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके बड़े ही खास दिनों के बारे में, जो कि दोस्तों 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का समय होगा। और दोस्तों, अब आपका नंबर आ चुका है, दुखों की घड़ी अब खत्म होने वाली है। ये जो समय है आपका बड़ा ही खास रहने वाला है। महीने के पहले दिन ही बहुत ही बड़ा बवाल होने जा रहा है। दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ अब खत्म होने वाली है और अब आपका अच्छा समय दोस्तों अब शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करते हैं दोस्तों, इसे अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ ही दोस्तों बता देते हैं आपको, शुरुआत करते हैं एक बड़े ही खास ज्ञान के साथ में। जिंदगी में सदैव आपको अच्छी चीज़ों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी ये प्राप्त हो या फिर नहीं, ये भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना ये संभव नहीं है। दोस्तों, पूरा बदला हुआ नज़ारा अब आपके सामने आने वाला है, क्योंकि दोस्तों भगवान जो भी करते हैं दोस्तों हमारे भलाई के लिए ही करते हैं और हमारे भविष्य के अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, यदि भगवान एक रास्ता बंद कर देते हैं तो कभी भी आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों भगवान ने अगर एक रास्ता बंद कर दिया है तो वो अनेकों रास्ते खोल देते हैं। और दोस्तों, भगवान वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। यूँ कहें तो दोस्तों हमारे पूरे परिवार के लिए अच्छा होता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यही कहावत दोस्तों अब आपके जीवन काल में बैठने वाली है। अब आपके जीवन काल में दोस्तों जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। इसीलिए तो दोस्तों भगवान की महिमा अपरंपार है। और यदि आप भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से लिख दीजिए, जय भोलेनाथ, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि दोस्तों आपके सारे सपने पूर्ण हो जाएं और आपको दुनिया की सारी खुशियां प्राप्त हों। तो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा, भगवान आपको इन दिनों इतना कुछ देने वाले हैं। यदि दोस्तों आप सही तरीके से इसे प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में दोस्तों आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस बात की दोस्तों ये तो गारंटी है। आने वाले समय में दोस्तों गरीबी और दरिद्रता आपको मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों एक बात और जान लेते हैं कि इस समय ग्रह की स्थिति कैसी होगी, आपके जीवन काल में क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या होगा। साथ ही दोस्तों इन 10 दिनों में आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपकी दोस्तों सभी की बर्बादी नहीं होगी और आप अपना कीमती समय इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसी के साथ में वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, एक बड़े ही प्यारे अनमोल विचार के साथ में। देखिए, भगवान हमें दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाइए या फिर छोड़कर जाइए। साथ लेकर के जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और एक दूसरे को हमेशा प्रसन्न रखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो ज़िंदगी ना ही दोबारा मिलेगी और ना ही कभी दोस्तों ज़िंदगी आपको दोबारा मौका देगी। दोस्तों इन बातों को आप अपने जीवन में ज़रूर गांठ बांध कर रख लीजिएगा। यदि दोस्तों आपको ये विचार अच्छा लगा हो, सच्चा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि देवों के देव महादेव की ओर से आपको बड़े संकेत मिल रहे हैं, जो कि दोस्तों आपको सावधानियों के साथ में भी रखने की ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उन सावधानियों के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि समय रहते इसका हल ही निकल आएगा। व्यस्तता, अधिकारियों के साथ में संबंध खराब ना होने दें। किसी भी व्यवसायिक यात्रा को स्थगित रखें, यह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। युवा वर्ग जल्द कामयाबी
पहनने के चक्कर में करियर संबंधित कोई गलत फैसला ले सकता है और किसी गलत चीज का चुनाव कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपने किसी प्रोजेक्ट पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों इस समय किसी भी प्रकार की व्यवसाय की यात्रा को स्थगित रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी नए कार्य को शुरू करने में भी अभी रुचि बिल्कुल ना ले, ऑफिस का काम घर पर ही करना बेहतर रहेगा, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण तनाव भी रह सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में पब्लिक डीलिंग संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों किसी भी कार्य में पकले बिल द्वारा ही लेन देन करें, अन्यथा कोई धोखा होने की आशंका बन रही है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ में भी आप शेयर ना करें। व्यवसाय में कुछ मंदी का दौर रहने वाला है, आय के साधन भी इस समय सामान रहने वाले हैं। अगर किसी नए काम को आप शुरू करना चाहते हैं तो अभी उसे थोड़ा सा स्थगित रखना आपके लिए उचित है। किसी भी व्यवसाय संबंधित फोन कॉल को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, वरना ये आपके लिए थोड़ा घाटे वाला रह सकता है। मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने वाले लोगों को बता दें कि आप ऐसे कार्यों पर अधिक ध्यान दीजिए। इस समय पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधित नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान वातावरण की वजह से आप अपनी कार्य प्रणाली में भी कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। मंदी का दौर होने के कारण व्यवसाय गतिविधियां बेहतर रहने वाली हैं। इसमें दोस्तों भाइयों का सहयोग आपके काम में और अधिक विकास देखने को मिलेगा। किसी भी सरकारी कार्य को करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। वहीं लव लाइफ की बात कर लेते हैं, अर्थात आपके प्रेम संबंधों के बारे में। दोस्तों घर में सुकून का माहौल रहने वाला है और घर में सुकून का माहौल रहेगा। युवा वर्ग वेयर के प्रेम संबंधों में बिल्कुल भी ना पड़ के अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों जीवन साथी तथा व्यावसायिक लोगों के साथ में खुशनुमा और खुद अच्छा समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। घर का माहौल खुशनुमा और काफी अच्छा बना रहेगा। प्रेम संबंधों में इस समय भावनात्मक रूप से एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा किसी पारिवारिक समस्या को सुलझाने में सक्षम रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अत्यधिक व्यस्तता के कारण घर परिवार के साथ में अधिक समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक सदस्यों के सहयोग में घर का वातावरण उचित और अनुशासित बना रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकियां बनी रहेंगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। सभी सदस्यों का आपस में कुछ समय व्यतीत करना संबंधों में और अधिक नजदीकियां ला सकता है। वहीं दोस्तों हेल्थ की बात करते हैं, अर्थात आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है, लेकिन आपको वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना यह उचित नहीं रहने वाला है। जोड़ों में दर्द की कोई भी पुरानी समस्या आपकी बढ़ सकती है। वायु और दोस्तों वादी वाली चीज़ों से थोड़ा सा परहेज करना आपके लिए आवश्यक है। व्यायाम और योग पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तनाव आपके कार्य क्षमता में रुकावट डाल सकता है। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ में आपको बता दें कि आपका संबंध अच्छे रहेंगे और अपने कार्य में उनकी सलाह लेना ना भूलें। दोस्तों वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी चिंता रह सकती है, परंतु चिंता ना करें, आने वाले समय में जल्दी ही स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। किसी भी विपरीत परिस्थिति में परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको परेशान होने की बजाय उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना होगा। बात करते हैं दोस्तों आपको किन चीज़ों से सावधान रहना होगा। दोस्तों आगे बताते हैं कि आपको अपनी ज़रूरतों पर काबू रखना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। किसी के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों इस समय ज़्यादा नुकसान होने की आशंकाएं दिख रही हैं, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य को थोड़ा सा नरम रखने के लिए इंतज़ार करना होगा। स्वास्थ्य जल्दी होने के खराब होने की वजह से आपको थोड़ा आराम रखने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता ना करें, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। लेकिन आपको पड़ोसी के साथ में थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आलस्य को आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि ये समय मेहनत और परिश्रम करने का है। विद्यार्थी और युवा वर्ग पढ़ाई अथवा करियर पर अधिक ध्यान दें। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय व्यतीत करना समय की बर्बादी ही करना है। किस समय दोस्तों ज्यादा मेल झाल ना बढ़ाएं, आप अपने काम से ही मतलब रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।